नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों, जब भी कभी हम मोबाइल को खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कितने मेगापिक्सल का कैमरा हमको मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रैम हमको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है मोबाइल के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दोस्तों वो चीज़ है मोबाइल की डिस्प्ले, जिस पर हम अपना ज़्यादातर टाइम अपना व्यतीत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हमारी जो होती है मोबाइल की डिस्प्ले के साथ होती है, तो बहुत ज़रूरी है एक सही डिस्प्ले का मोबाइल लेना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरह की डिस्प्ले हमारी मोबाइल में लगी हुई आती हैं और कौन सी डिस्प्ले टाइप आपके लिए हो सकती है बेहतर और किस रेंज में ये डिस्प्ले आती हैं। तो आज इसी के बारे में ये सारा वीडियो होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं TFT डिस्प्ले की, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। पहले के मोबाइल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। जो बजट मोबाइल होते हैं 5-6 हज़ार रेंज के, उसमें हमें ये देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती ये पड़ती है। इसकी एक प्रॉब्लम रहती है कि इसमें जो व्यू एंगल होता है हमको काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिलता है और सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। ये डिस्प्ले जो होती हैं TFT डिस्प्ले, थोड़ी सी मोटी होती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेयर इसमें होती हैं, जिसकी वजह से ये मोटी होती हैं और जिसकी वजह से मोबाइल का जो मोटाई है वो भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ मोबाइल का वजन भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो बैटरी कंजप्शन है काफ़ी ज़्यादा होती है और ये थोड़ी सी नाजुक भी होती हैं। अगर ये आपके हाथ से मोबाइल छूट जाता है तो फ़ौरन टूटने के चांस इसके ज़्यादा रहते हैं। ये सस्ती ज़रूर आती हैं लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। तो ये था TFT डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं IPS और AMOLED डिस्प्ले की। ये दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और इन दिनों इन डिस्प्ले का ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मोबाइल सेट के अंदर। तो पहले हम बात कर लेते हैं IPS डिस्प्ले की, जिसको बोलते हैं इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। तो ये जो डिस्प्ले होती हैं, अगर हम कंपेयर करें TFT डिस्प्ले से, तो थोड़ी सी पतली होती हैं। साथ ही साथ ये हमें एक नेचुरल कलर शो करती है, जैसे कलर होते हैं ये वैसे ही हमको दिखाती है, क्योंकि इसके जो डिस्प्ले होती है उसके बैक में एक लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहती है, जो बैक लाइट होती है, जिसकी वजह से कलर हमें नेचुरल भी मिलते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक भी है, बैक लाइट कंटिन्यूसली जलने की वजह से जो बैटरी कंजप्शन है IPS डिस्प्ले वाले सेटों में काफ़ी ज़्यादा होती है, बार बार हमें मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप ये डिस्प्ले ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए। साथ ही साथ इसके जो मोटाई होती है AMOLED डिस्प्ले से थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम होती है। इसलिए अगर ये हैंडसेट अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो इसके LCD ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू AMOLED डिस्प्ले। तो ये तो बात रही IPS डिस्प्ले की। अब हम बात कर लेते हैं AMOLED या सुपर AMOLED डिस्प्ले की, जिसको बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट मीटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो डिस्प्ले हमें फ्लैगशिप मोबाइल में ही देखने को मिलती है, थोड़े हाई रेंज के मोबाइल में देखने को मिलती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, इसलिए ये हमें महंगे मोबाइल में ही देखने को मिलती है। AMOLED डिस्प्ले की जो खासियत होती है, इसमें ये हमें वो कलर शो करता है जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, यानी कि ये डिस्प्ले IPS डिस्प्ले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, क्योंकि ब्राइट जो कलर होते हैं हमारी आंखों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये नेचुरल कलर शो नहीं करती है, थोड़े से ब्राइट कलर ही शो करती है, लेकिन हमारी आंखों को ये अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ AMOLED डिस्प्ले जो होते हैं उसमें लेयर कम होती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मोटाई है कम हो जाती है, और मोटाई कम होने की वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सुपर AMOLED या AMOLED डिस्प्ले वाले ही मोबाइल होते हैं, जो थोड़े से कर्व होते हैं या थोड़े से फ्लेक्सिबल जो मोबाइल भी मार्केट में आ गए हैं, उसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अगर ये आपके हाथ से छूट भी जाए तो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, लेकिन अगर ये टूट जाए तो आपकी जेब पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं ये सुपर AMOLED डिस्प्ले। तो सुपर AMOLED डिस्प्ले में ये पिक्सल बेस्ड डिस्प्ले होती हैं, जब जिस पिक्सल का काम होता है तब वो पिक्सल ऑन होता है, जिसकी वजह से हमें बैटरी कंजप्शन जो होती है काफ़ी कम हो जाती है, बैटरी हमारी काफ़ी ज़्यादा चलती है जिसमें मोबाइल में ये डिस्प्ले लगी होती हैं। तो ये इसका बेनिफिट्स है। अगर डे लाइट कंडीशन की हम बात करें या सनलाइट कंडीशन की हम बात करें, तो थोड़ा सा हमको डार्क व्यू दिखता है, थोड़ा सा डार्क इमेज हमें दिखाई देती है, लेकिन जो अगर हम इंडोर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी TFT IPS और AMOLED या सुपर AMOLED डिस्प्ले में। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी डिस्प्ले आपके लिए बेहतर है। वैसे तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है कि कौन सी डिस्प्ले आपको अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप TFT डिस्प्ले को इग्नोर करें, IPS या AMOLED डिस्प्ले को आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप AMOLED या सुपर AMOLED डिस्प्ले ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो बैटरी कंजप्शन होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है
और अच्छा एक डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप अगली बार मोबाइल लेने जाएं तो इस चीज़ को जरूर कंसीडर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ऐसी ही कुछ काम की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक्निकल बोली। जय हिंद दोस्तों। ਦੇ ਨੀ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟ ਗੁੜੀਏ।